हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। काम की अधिकता की वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। इस वीडियो में फरवरी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं अभी तक के, 14 फरवरी तक के, वो सभी करंट अफेयर मैं यहां पर अपलोड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसके बाद भी मुझे लग रहा है कि एक वीडियो मुझे और बनाना पड़ेगा 14 तक के लिए केवल, तो उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसे भी देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को कवर करते हैं। जितने भी नए एस्पिरेंट हैं उन्हें बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस रेफरल कोड का यूज करें, Varun777। इसका आप यूज करेंगे तो जितना भी डिस्काउंट होगा उसके ऊपर 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 250th फ्लाइट ऑपरेशन अंडर द RCS उड़ान स्कीम वॉज रिसेंटली कमेंस्ड बिटवीन वाराणसी एंड विच सिटी। आपसे कह रहा है अभी कुछ टाइम पहले RCS उड़ान स्कीम के तहत 250वीं फ्लाइट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये जो 250वीं फ्लाइट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उड़ान स्कीम के तहत, ये कहां से कहां तक किया गया है? ये वाराणसी से कनेक्ट करेगा उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर को। उड़ीसा में सरकार किसकी है? नवीन पटनायक की। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साल 2019 में वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट के बाहर श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था। ये स्टैचू किसने इनॉग्रेट किया? ये स्टैचू पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था। अगला क्वेश्चन है, अबिदाली नेमचरला हु रिजाइंड रिसेंटली वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पॉपुलर इंडियन आईटी कंपनी। आपसे कह रहा है अबिदाली ने अभी हाल ही में किस आईटी कंपनी से सीईओ को पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ये सीईओ थे विप्रो में, और विप्रो का हेडक्वार्टर क्या है? विप्रो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। तो फाइनली वी कैन से विप्रो के सीईओ अबिदाली नेमचरला ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टियर्स डे ऑन 30th of January टू पे होमेज टू विच इंडियन लीडर। 30 जनवरी को जो मार्टियर्स डे मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, ये किस भारतीय लीडर को एक तरीके से ट्रिब्यूट है? ये महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट है, क्योंकि महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था इस दिन। वो दिन कौन सा था? 30 जनवरी 1948, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इनका असैसिनेशन हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये भारतीय और अमेरिकन मूल के कौन व्यक्ति हैं जिनको आईबीएम का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? तो आईबीएम के नए चेयरपर्सन बने हैं अरविंद कृष्णा। क्या नाम है? अरविंद कृष्णा। ही हैज बिकेम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ आईबीएम। आईबीएम का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। आपको अरविंद कृष्णा के बारे में बता दूं, आईआईटी कानपुर से ये पढ़े हुए हैं, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है गिनी रोमेते को। क्या नाम है? इससे पहले गिनी रोमेते यहां पर चेयरपर्सन थे, इनको सक्सीड किया अरविंद कृष्णा ने, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी गिनी रोमेते ही यहां पर सर्व कर रहे हैं। जो अरविंद कृष्णा है ये कब से इस पोस्ट को संभालेंगे? ये इस पोस्ट को संभालेंगे 6 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। दिल्ली में अभी हाल ही में किसने अपनी सरकार बनाई? दिल्ली में 70 सीटों में से 62 सीटों पर अपनी सरकार बनाकर यहां पर मेजोरिटी के साथ पार्टी बना ली है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 2012 को इसकी स्थापना। तो ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल ने 70 में से 62 सीटें पाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 5-डे वर्किंग वीक मॉडल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। आपसे कह रहा है ये कौन सी राज्य सरकार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। ये कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने 5-डे वर्किंग वीक मॉडल को स्टेट में लॉन्च कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए? ये है उद्धव ठाकरे की सरकार। इसका मतलब ये कहने का है जो राज्य सरकार के कर्मचारी है यहाँ पर, अब वो केवल 5 दिन काम किया करेंगे, सैटरडे और संडे उनकी छुट्टी रहा करेगी। ये कब से अप्लाई हो रहा है? ये इसी महीने की आखिरी तारीख 29 फरवरी से अप्लाई हो रहा है। और आसाम में सर्वनंदा सोनवाल की सरकार है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्कीम चलाई थी जिसका नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। ये जो अरुंधति गोल्ड स्कीम है, इसके तहत ये प्रावधान है कि आसाम में हर वो महिला जो कम से कम 10वीं पास होगी उसकी शादी में 10 ग्राम सोना दिया जाएगा आसाम सरकार की तरफ से। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक बार फिर से आ गई है, और गुजरात में आपको पता ही है विजय रूपानी की सरकार है।
ध्यान रखिएगा, गुजरात में कुछ टाइम पहले गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, इनका नाम है आचार देवव्रत। इंडिया रैंक्स हाउ मच अमंग कंट्रीज एट रिस्क ऑफ कोरोना वायरस इंपोर्ट। आपसे कह रहा है ये जो कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है उसमें भारत इस टाइम पर कौन सी रैंक सिक्योर कर रहा है, मतलब इसके खतरे में आपसे ये पूछ रहा है। ये जो इंडेक्स है इसमें इस तरीके से कंट्रीज को लिस्ट किया गया है कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा कोरोना वायरस के खतरे में है, रेड मार्क में है। तो भारत ने इसमें रैंक सिक्योर करी है 17वीं, 17वें नंबर पर है भारत। और सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा कंट्री है, ऑब्वियसली चाइना। आपको ध्यान रख रहा है साल 2019 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को जो एससीओ का 19वां संस्करण हुआ था, कहां पर, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में, वहां पर किर्गिस्तान सरकार की तरफ से इनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ टाइम पहले शी जिनपिंग जब भारत आए थे तो पीएम नरेंद्र मोदी से इनफॉर्मल समिट हुआ था। इसका वेन्यू क्या था, तो ये वेन्यू भी ध्यान रखिएगा, ममल्लपुरम, ममल्लपुरम इसका वेन्यू था। रिसेंटली इंडियन आर्मीज विच ऑफिसर हैज बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट। आपसे कह रहा है इंडियन ऑफिसर, इंडियन आर्मी के ये कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ हेलमेट बना दी है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा प्राउड मूवमेंट है, भारत आने वाले टाइम में इन हेलमेट्स को एक्सपोर्ट भी करेगा और इससे अच्छा पैसा बनाएगा भारत। तो इंडियन आर्मी ऑफिसर ये है मेजर अनूप मिश्रा। मेजर अनूप मिश्रा ने एक ऐसा बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है जो कि AK-47 की गोलियों को भी झेल जाएगा। तो यह भारत के लिए रियली प्राउड मोमेंट है और मेक इन इंडिया के तहत भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो मेक इन इंडिया को इसी तरीके से अचीव करते रहना है, आगे आगे इसको बढ़ाते जाना है और इसी तरीके से डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ एक देश अग्रसर होता है, इसी तरीके से हम आगे इकोनॉमी में भी बढ़ेंगे। फिलहाल इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो इकोनॉमी डिग्रेड होने के बाद भारत की इकोनॉमी स्टेबल चल रही है। अब जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं उन सभी रिपोर्ट्स के आधार पर आने वाले दिनों में ये सुधरनी चाहिए, पर देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री देयर हैज बीन इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट हिंदू यूनिवर्सिटी। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कौन सा ये देश है जहां पर पहली हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बाद भी यहां पर हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन एक भव्य बात है। तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल वैसे जकार्ता है। 10 साल के लिए बोर्नियो को ट्रायल बेसिस पर लिया गया है। इंडोनेशिया के पिछले साल जोको विडोडो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अब अगर इस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देता हूं, ये जो हिंदू यूनिवर्सिटी है इसका नाम क्या है, इसका नाम रखा गया है सुग्रीव यूनिवर्सिटी। सुग्रीव यूनिवर्सिटी रामायण में जो एक करेक्टर है बाली के छोटे भाई सुग्रीव, उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। इंडोनेशिया में कहां पर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई है, इंडोनेशिया में बाली में इसकी स्थापना करी गई है। कतर की कैपिटल है दोहा, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, मालदीव्स की कैपिटल है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड फर्स्ट टाइम। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता ही क्यों है, हॉर्नबिल फेस्टिवल आप सभी को पता है कि हर साल नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये नागालैंड में नहीं मनाया जा रहा है। हर साल क्या होता था, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा ट्राइब मनाती थी नागालैंड में। इस बार नागा ट्राइब इसको मना रही है कहां पर, इसको मना रहे हैं त्रिपुरा में। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इस वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी काफी बढ़ गए हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिल सकता है। तो ध्यान रखें इस बार का हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, त्रिपुरा में मनाया जा रहा है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है, ध्यान रखें। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें वीडियो को, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। ये जो गैप हो जाता है ये गैप सिर्फ और सिर्फ रिप्लाईज ना मिलने की वजह से ही हो जाता है। जब आप लोगों के रिप्लाईज मिलते रहते हैं तो वो गाड़ी में ईंधन की तरह काम करता है मेरे लिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है यहाँ पर मुफ्त में। रिसेंटली इकोनॉमिस्ट पाइन लोपी गोल्डबर्ग हैज रिजाइंड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। ये है पाइन लोपी, इन्होंने अभी हाल ही में, ये एक अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने किस ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से रिजाइन कर दिया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनेवा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस।
रिसेंटली विच पेमेंट एग्रीगेटर हैज लॉन्च्ड एंड्रॉइड बेस्ड पॉस टर्मिनल? पॉस का मतलब क्या होता है? पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल इस वजह से यूज किया जाता है, आप लोग देखते होंगे यहां पर कार्ड स्वाइप करके इस टर्मिनल के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। किसी भी मॉल में आप जाइए, किसी भी बाहर शॉप आउटलेट में जाइए, हर जगह पर आपको आज की डेट में पॉस टर्मिनल मिलेंगे। तो ये कौन सा पेमेंट एग्रीगेटर है जिसने अभी हाल ही में अपना नया पॉस टर्मिनल लॉन्च किया है पहली बार एंड्रॉइड बेस्ड? ये है पेटीएम। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम को 2010 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और पेटीएम के सीईओ इस टाइम पर कौन है? इनका नाम है रेनू सती। रेनू सती। पेटीएम के फाउंडर कौन है? इनका नाम है विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु क्लिंच्ड द मेंस सिंगल्स टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020? साल 2020 का पहला ग्रैंड स्लैम जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन के नाम से जाना जाता है, इसमें अभी हाल ही में मेंस सिंगल में किसने गोल्ड जीता, या फिर आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट मेंस सिंगल किसने जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच कहां के खिलाड़ी हैं? ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। रोजर फेडरर खिलाड़ी हैं स्विट्जरलैंड के, राफेल नडाल स्पेन के और एंडी मरे इंग्लैंड के। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये कौन से खिलाड़ी हैं जिनके जीवित रहते हुए इनकी जो इमेज है वो इनके देश के सिक्कों में प्रिंट करी गई है, या फिर आप बोल सकते हो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, ये कौन सा देश है जिसने अपने एक खिलाड़ी की इमेज प्रिंट करी है अपने सिक्के में? पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी की इमेज प्रिंट हुई है जीवित रहते हुए। तो ये है रोजर फेडरर। स्विट्जरलैंड में सिक्के चलाए गए सरकार के द्वारा, उसमें इनकी इमेज प्रिंट करी गई है। एज पर द रिसेंट यूनियन बजट, ये बजट से क्वेश्चन लिया है मैंने, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में यूनियन बजट के हिसाब से व्हाट इज द एस्टिमेट फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर 2020-21 एक्सप्रेस्ड इन परसेंट ऑफ जीडीपी? आपसे कह रहा है इस बार 2020 से 21 के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या लिया हुआ है, कितने परसेंट जीडीपी पर? इसके लिए टारगेट लिया हुआ है 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी द इंडियन नेवी कंडक्टेड इट्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है मैतला अभियान? क्या नाम है? मैतला अभियान। ये जो मैतला ना अभियान नाम की एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी इसका आयोजन कहां पर कर रही है? इंडियन नेवी ने इसका आयोजन किया कोलकाता के कोस्टल एरिया पर। और इस टाइम पर एडमिरल कौन है? करमवीर सिंह एडमिरल है इस टाइम पर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, साल 2020 की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, इवन दुनिया की भी अभी तक की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है मिलन। ये जो मिलन होगी ये होगी मार्च 2020 में। कितने कंट्रीज इसमें पार्ट ले रहे हैं? 41 कंट्रीज में पार्ट ले रहे हैं। इसको होस्ट कौन कर रहा है? भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू है इसका विशाखापत्तनम। रिसेंटली ब्रिटेन्स प्रिंस चार्ल्स हैज लॉन्च्ड अ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड फॉर विच कंट्री? आपसे कह रहा है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने अभी हाल ही में एक चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है, किस देश के लिए? इन्होंने भारत के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया। इंडियाज फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है भारत में पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनने वाला है। इस ब्रिज की खास बात है ये आप देख सकते हो पिक्चर में, इसमें नीचे ग्लास होता है, नीचे जो भी होगा ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें आपको इस तरीके से दिखेगी पारदर्शिता के साथ। ओके, तो ये भारत में पहली बार ऐसा ब्रिज कहां पर बनेगा? ये बनेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक नई बात सामने आई है, जो लक्ष्मण झूला है उसको रिप्लेस किया जाएगा इससे। ओके, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। उत्तराखंड में कुछ टाइम पहले गवर्नर की पोस्ट संभाली थी किसने? बेबी रानी मौर्य ने। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आसाम में सर्बानंदा सोनोवाल की सरकार है। विच बैंकर ऑफ इंडिया हैज बीन नेम्ड एज द सेंट्रल बैंकर ऑफ ईयर एशिया पैसिफिक 2020 बाय द बैंकर मैगजीन? आपसे कह रहा है बैंकर मैगजीन के थ्रू ये भारत के कौन से ये बैंकर हैं जिनको सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है एशिया पैसिफिक रीजन का? ये हैं शक्तिकांत दास, हमारे आरबीआई के गवर्नर। ये कौन से गवर्नर हैं आरबीआई के? 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा। द थर्ड डिफेंस अटैच कॉन्फ्रेंस 2020 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? आपसे कह रहा है तीसरा संस्करण डिफेंस अटैच कॉन्फ्रेंस का 2020 में, इसका आयोजन अभी हाल ही में कौन से शहर में किया गया? इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इस टाइम पर डिफेंस मिनिस्टर कौन है?
ये हैं राजनाथ सिंह। ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर 2019 को राजनाथ सिंह ने पहला राफेल भारत के लिए रिसीव किया था पेरिस में। हुबली टू धारवाड़ बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, आपसे कह रहा है हुबली से धारवाड़ तक कनेक्ट करने के लिए एक बस ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया जा रहा है। कौन से राज्य में इसको लॉन्च किया जा रहा है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की सरकार है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ध्यान रखिएगा, 2019 में आपसे पूछेगा कौन से ये चीफ मिनिस्टर रही हैं जिनको स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये ममता बनर्जी हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इनकी एक किताब भी आई थी, इसके साथ आज तक ये 87 बुक्स लॉन्च कर चुकी है। ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल की सरकार ने अनाउंस किया है कि कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो घर है उसको म्यूजियम में तब्दील कर देंगे। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। आंध्र प्रदेश में वाई एस जगमोहन रेड्डी की सरकार है। आपसे कह रहा है बेबिनको टेल मी व्हेन आई डाई, ये क्या है? विच वॉन द गोल्डन कॉच अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है बेबिनको टेल मी व्हेन आई डाई। अभी हाल ही में इसने गोल्डन कॉच अवार्ड जीता है एट द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020। इज अ फिल्म ऑफ विच कंट्री, अभी हाल ही में 2020 का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म डिक्लेयर करी गई बेबिनको टेल मी व्हेन आई डाई। ये मूवी कौन से देश की है? ये मूवी है ब्राजील की। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ब्राजील में इस टाइम पर सरकार किसकी चल रही है? यहाँ पर सरकार चल रही है जेल बोलसोनारो की। इंपॉर्टेंट थिंग ये भी आपको ध्यान रखना है, इस बार 26 जनवरी में हमारे चीफ गेस्ट जेल बोलसोनारो ही थे जो कि ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की कंप्लेन किन दो देशों ने करी है, तो एक है ब्राजील और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्रूनो आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट एट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ लो कॉस्ट वैक्सीन फॉर विच डिसीज, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक बहुत कम कॉस्ट में वैक्सीनेशन तैयार किया है। किस बीमारी से लड़ने के लिए इन्होंने ये वैक्सीनेशन तैयार किया है? स्वाइन फीवर से लड़ने के लिए। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज नेशनल इमरजेंसी टू टैकल द अटैक ऑफ लोक्यूस्ट स्वार्म, आपसे कह रहा है देखो लोक्यूस्ट क्या है? ये एक तरीके का कीड़ा है, फसलों को खाने वाला कीड़ा होता है। ये आप देख रहे हो झिंगुर जैसा ये कीड़ा है, ठीक है, ये फसलों को खा जाता है, इससे फसल पूरी की पूरी खराब हो जाती है। तो इसकी अधिकता हो गई है कौन से देश में, जिसकी वजह से इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है लोक्यूस्ट की वजह से? तो ल्यूकिस की अधिकता हो गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फसल की फसल खराब हो रही है जिसकी वजह से वहां पर नेशनल इमरजेंसी ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लेयर करी गई है। यहां पर इमरान खान की सरकार है, इनकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, ध्यान रखिएगा। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, भारत की कैपिटल आपको बताइए नई दिल्ली। ध्यान रखिएगा, साल 2019 में ये कौन से दो देश हैं आपसे पूछेगा जिन्होंने प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था और साथ में एग्जीक्यूट भी किया, ये है रशिया और यूक्रेन। इन दोनों ने आपस में कैदी अपने बदले। विच कंट्री हैज सरपास्ड अमेरिका एंड बिकेम वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर मार्केट बन गया है, ये है भारत। चाइना नंबर वन पे है, चाइना सबसे बड़ा स्मार्टफोन मेकर है, दूसरे नंबर पे आ गया है। माफ करिएगा, यहाँ पर स्मार्टफोन मार्केट की बात हो रही है, स्मार्टफोन मेकर की नहीं, क्योंकि स्मार्टफोन मेकर तो कंपनीज के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ओके, अगर मेकर की भी बात कर लें तो भी चाइना ही सबसे बड़ा है। वेल, यहाँ पर स्मार्टफोन मार्केट की बात हो रही है जहां पर मेकर्स तो होते ही है, साथ में यूजर्स भी होते हैं। तो चाइना सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, दूसरे नंबर पर भारत आ गया है। अगर चाइना की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, आंकड़ों के मुताबिक 2019 में 158 मिलियन स्मार्टफोन्स यहां पर बनाए गए थे। विच इंडियन डिप्लोमैट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू श्रीलंका, अभी हाल ही में भारत के कौन डिप्लोमैट है जिनको श्रीलंका में हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है गोपाल बागले। गोपाल बागले हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। श्रीलंका में सरकार किसकी चल रही है? यहां पर सरकार चल रही है महिंदा राजपक्षा की।
पर इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं प्रमोद अग्रवाल। कोल इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। 1975 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पर अनिल कुमार झा। अगला क्वेश्चन है, एज पर द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019 टू 20, आपसे कह रहा है 2019 से 20 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन नंबर ऑफ न्यू फर्म्स क्रिएटेड। इसके आधार पर यह इंडेक्सिंग करी गई कि किस देश में सबसे ज्यादा नई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनियां खोली गई, तो भारत ने इसमें कौन सी रैंक सिक्योर करी? भारत ने तीसरी रैंक सिक्योर करी है पूरे वर्ल्ड में। तीसरे नंबर में भारत में 2018 में सबसे ज्यादा कंपनियां खोली गई। भारत में इस साल 1,24,000 कंपनियां खोली गई। और अगर शहरों की बात करी जाए तो उसमें भी दिल्ली नंबर वन पर है, नई दिल्ली में सबसे ज्यादा कंपनियां खोली गई। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम प्रपोज्ड इन द बजट, आपसे कह रहा है इस बार बजट में ऐसी है कौन सी नई स्कीम है जो कि पहली बार प्रपोज करी गई है। विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाई द एविएशन मिनिस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आपसे कह रहा है ये जो स्कीम है इसको एविएशन मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है जो कि इस पर्पज से लॉन्च करी गई है जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो इस स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, स्कीम का नाम है कृषि उड़ान योजना। कृषि उड़ान योजना, कंफ्यूज मत होना, कृषक किसान कृषि इन सब में कंफ्यूज मत होना, कृषि उड़ान योजना थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट यूनियन बजट 2022-21, इस बार का जो बजट लॉन्च किया गया उसमें व्हाट इज द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट फॉर 2022-21, आपसे कह रहा है इस बार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भारत सरकार ने कितना रखा? भारत सरकार ने रखा 1.2 लाख करोड़, फर्स्ट वन द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, अभी आप देख रहे हो सर्वे से कितने सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। 2019 से 20 के इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर यह कौन सा राज्य है भारत में जिसमें सबसे सस्ती वेजिटेरियन थाली मिलती है? यह है झारखंड। झारखंड वो राज्य है भारत का जहां पर सबसे सस्ते रेट का वेजिटेरियन खाना मिल जाता है। झारखंड में भी कुछ टाइम पहले नई सरकार आई है, हेमंत सरेन की सरकार आई है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है और मध्य प्रदेश में चल रही है कमलनाथ की सरकार। कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश में नई गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? ये हैं आनंदीबेन पटेल, ओके। और हिमाचल प्रदेश के भी नए चीफ मिनिस्टर सॉरी नए गवर्नर कौन अपॉइंट किए गए हैं? पहले कलराज मिश्र थे, उनका ट्रांसफर हो गया राजस्थान, तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर बनाए गए बंदारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंदारू दत्तात्रेय। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2018-19 एज पर द रीसेंट स्टेटमेंट फ्रॉम द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑन January 31, 2020, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने भारत का जो जीडीपी है 2018 से 19 के लिए जो प्रिडिक्ट किया है वो कितना प्रिडिक्ट किया है इन्होंने? इन्होंने प्रिडिक्ट किया है इसको 6.1%। एंड व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। विच इंडियन सेलिब्रिटी इज एट द टॉप स्पॉट इन द लेटेस्ट ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी बाई डफ एंड फ्लेप्स, आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये एजेंसी है जिसका नाम है डफ एंड फ्लेप्स, इनकी स्टडी के हिसाब से पूरे दुनिया में ये कौन से भारतीय सेलिब्रिटी हैं जो कि टॉप स्पॉट किए गए हैं ब्रांड वैल्यूएशन के नाम पर? तो ये है विराट कोहली। विराट कोहली ब्रांड वैल्यूएशन इनकी बहुत ज्यादा है भारतीयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल लेबल द फेक न्यूज एंड रिमूव हार्मफुल डेटा शेयर्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सी यह कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना भी फेक डेटा होगा या हार्मफुल डेटा होगा उसको रिमूव कर देंगे, उसको अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं रखेंगे? ये है ट्विटर। ध्यान रखिएगा ट्विटर ने ही कुछ टाइम पहले ये भी अनाउंस किया था नवंबर महीने में कि जितने भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट होंगे वो अब से ट्विटर नहीं दिखाएंगे। ट्विटर को एस्टैब्लिश किया गया था 2006 में। ट्विटर के इस टाइम पर सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी।
जैक डॉर्सी कुछ टाइम पहले इनका अकाउंट हैक हो गया था। ध्यान रखिएगा, फेसबुक के ऊपर पेनाल्टी लगी है $5 बिलियन की 2019 में। ये पेनाल्टी इनके ऊपर इस वजह से लगी क्योंकि फेसबुक से 400 मिलियन यूजर्स का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो पूरा डेटा सिक्योर्ड हो गया। इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में 2020 का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? भारत ने 2020 में 40वीं रैंक सिक्योर करी है। टॉप फाइव आप ध्यान रखिएगा, नंबर वन पे यूएस रहा, नंबर दो पे यूके, नंबर तीन पे स्वीडन, नंबर चार पे फ्रांस और नंबर पांच पे जर्मनी। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, यूके की लंदन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म, फ्रांस की कैपिटल पेरिस और जर्मनी की बर्लिन। जर्मनी से बनने वाला एक क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन सा देश है आपसे पूछेगा जिसने अनाउंस किया कि 2038 तक ये अपने सभी कोल से चलने वाले, मतलब कोयले से चलने वाले कारखानों को बैन कर देंगे, बंद कर देंगे पूरी तरीके से। यह है जर्मनी। इजराइल्स एल्बिट सिस्टम रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच इंडियन कंपनी फॉर डेवलपिंग एन अनमैंड एरियल व्हीकल। अनमैंड एरियल व्हीकल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, लाइट वेटेड एयरक्राफ्ट है जो कि बिना पायलट के चलेगा। देख रहे हो आप, इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, तो इसी वजह से इसको बोलते हैं अनमैंड एरियल व्हीकल। तो आपसे कह रहा है इसराइल की एल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी है, यह भारत की किस कंपनी के साथ मिलकर ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहे हैं? भारत में इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया। एचएएल का हेडक्वार्टर है बेंगलोर और एचएएल के इस टाइम पर सीईओ कौन है? इनका नाम है सजल प्रकाश। सजल प्रकाश, ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के चीफ कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इनको इस साल मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2019 में। डीआरडीओ ने कुछ टाइम पहले एक नया एयरक्राफ्ट भी बनाया है, इसका नाम बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं, इसका नाम है नेत्र। नेत्र नाम का एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया। हु हैज बीन नेम्ड एज द हेड ऑफ द ट्रस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल विच वॉज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द सेंटर। अभी हाल ही में राम मंदिर बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई, उस ट्रस्ट कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं? उसके हेड बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है के पराशरन। के पराशरन, ही हैज बिकेम द हेड ऑफ राम मंदिर ट्रस्ट कमेटी। विच सिटी इज होस्टिंग द 22nd इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2020। आपसे कह रहा है 2020 में सी फूड शो का अंतरराष्ट्रीय लेवल पर 22वां संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन भारत के कौन से शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है कोची में। बाय द वे आपको बता दूं, पूरे 12 साल के बाद यह त्योहार अब मनाया जा रहा है। कब से कब तक यह मनाया गया है? यह मनाया गया है 7, 8 और 9 फरवरी को, अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया रशिया मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। आपसे कह रहा है पांचवां संस्करण भारत और रशिया के बीच में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का, अभी हाल ही में इसका संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इसका संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इसी वजह से लखनऊ को चुना गया। लखनऊ में कुछ टाइम पहले 25 दिसंबर 2019 को अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया है लखनऊ के सचिवालय में। प्रणव कुमार गोगोई हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज अ फेमस पर्सनैलिटी इन विच फील्ड। आपसे कह रहा है प्रणव कुमार गोगोई, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये एक फेमस पर्सनालिटी थे, कौन सी फील्ड के? सिनेमा, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, लिटरेचर। ये फेमस पर्सनालिटी थे पॉलिटिक्स के, आसाम से पॉलिटिशियन थे ये, और साथ में सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, ये लॉयर भी रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे ये। 84 साल की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द किशोर कुमार सम्मान अवार्ड फॉर 2018। आपसे कह रहा है साल 2018 के लिए किस भारतीय अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया? यह है वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान, ये जो वाहिदा रहमान है, इनको किशोर कुमार सम्मान अवार्ड के साथ कितने रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है? तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किशोर कुमार सम्मान अवार्ड के साथ कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड, इस स्कीम का नाम क्या है? स्कीम का नाम है जन सेवक, टू होम डिलीवर वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। देखो है क्या,
कुछ टाइम पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी लॉन्च करी थी, जिसके तहत आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बनवाना हो, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपके घर पर ही डिलीवर हो जाएंगी। इसी तरीके की सेम यही स्कीम है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है जन सेवक। तो अब ये कौन सी दूसरे स्टेट की ऐसी सरकार है जिन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है? तो इस स्कीम को लॉन्च किया है बीएस येदियुरप्पा की सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने। विच स्टेट हैज वॉन डॉक्टर बीसी राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2020? अभी 2020 में हाल ही में डॉक्टर बीसी राय जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, कौन सा राज्य इसे जीता है? इस बार इसे जीता मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में सरकार किसकी है? यहां पर पूजोरम थंगा की सरकार है, पूजोरम थंगा। कुछ टाइम पहले मिजोरम के नए गवर्नर भी अपॉइंट किए गए हैं। कौन है मिजोरम के गवर्नर इस टाइम पे? इनका नाम है पी एस श्रीधरन पिल्लई, पी एस श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देब की सरकार है, आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है। रिसेंटली जेफ वेनर हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीईओ फ्रॉम विच कंपनी? आपसे कह रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से जेफ वेनर ने अभी हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया? ये सीईओ के रूप में अपॉइंटेड थे लिंक्डइन में, लिंक्डइन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। लिंक्डइन का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसको एस्टैब्लिश किया गया था सन 2002 में। वॉलमार्ट एक अमेरिकन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट एनिमल वॉर मेमोरियल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले मार्टिर्स मेमोरियल एस्टैब्लिश किया गया नई दिल्ली में इंडिया गेट के सामने, और इसका इनॉग्रेशन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो अब ये अनाउंस किया गया है भारत सरकार के थ्रू कि भारत में पहला एनिमल वॉर मेमोरियल भी बनाया जाएगा। कौन से शहर में इसको बनाया जाएगा? इसको बनाया जाएगा मेरठ में। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये उनके लिए बन रहा है जो ये डॉग, जितने भी डॉग हैं या फिर जितने भी और भी एनिमल्स हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस में हमारी सर्व करते हैं और लाखों जाने बचा चुके हैं, इनके लिए एक मार्टियर्स मेमोरियल बन रहा है, वॉर मेमोरियल। हु हैज बिकेम द फर्स्ट सिख डेप्टी कॉन्स्टेबल इन अमेरिका? अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिख डेप्टी कॉन्स्टेबल बना है, तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? इनका नाम ध्यान रखिएगा अमृत सिंह है, अमृत सिंह। रिसेंटली विनय सिन्हा हैज पास अवे, ये है विनय सिन्हा, इनका अभी निधन हो गया कुछ टाइम पहले। ये क्या थे? राइटर थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, पॉलिटिशियन थे, पेंटर थे। ये बॉलीवुड में फिल्म प्रोड्यूसर थे विनय सिन्हा। इनकी एक बेस्ट मूवी आज तक की सबसे ज्यादा रही है अंदाज अपना अपना, आमिर खान और सलमान खान की। विच स्टेट और यूटी हैज रिसेंटली रीनेम्ड इट्स पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एज द जल शक्ति डिपार्टमेंट? आपसे कह रहा है ये कौन सा राज्य है जिन्होंने अभी हाल ही में इनका जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग इरिगेशन एंड कंट्रोल फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इसको इन्होंने रीनेम्ड कर दिया है जल शक्ति डिपार्टमेंट से, तो ये राज्य सरकार कौन सी है? ये सरकार है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की। यहाँ के गवर्नर इस टाइम पे कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने ये जितने भी अपने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको जल शक्ति डिपार्टमेंट के तहत कंट्रोल में दे दिया है। और कुछ टाइम पहले जो बाइफरकेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, उसके तहत लद्दाख एक अलग यूटी बन गया। लद्दाख के नए गवर्नर कौन बने? इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। रिसेंटली इंडिजिनस एयर टू ग्राउंड मिसाइल, इसका नाम क्या है? इसका नाम है खगांतक। खगांतक अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? अभी कुछ टाइम पहले डिफेंस एक्सपो हुआ था ना लखनऊ में, तो वहीं पर खगांतक को लॉन्च किया गया था। ये जो मिसाइल है ये एयर टू ग्राउंड के लिए मिसाइल है, तो इसको लॉन्च किया गया जिस कंपनी के द्वारा, इस कंपनी का नाम है जेएसआर डायनेमिक्स। ध्यान रखिएगा इस साल भारत सरकार ने, भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। विच कंट्रीज डेलीगेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली विजिटेड इंडिया एंड साइंड एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च? आपसे कह रहा है ये कौन से देश का डेलीगेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि अभी हाल ही में, डेलीगेशन समझते हैं जो गेस्ट होते हैं उनका एक दस्ता पूरा, ये पहुंचा है भारत में और इन्होंने भारत के साथ कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं हायर एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में। ये कंट्री है कौन सा? नॉर्वे। नॉर्वे ध्यान रखिएगा।
सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, इटली की कैपिटल है रोम, इसराइल की कैपिटल है जेरूसलम, जापान की कैपिटल है टोक्यो। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि नॉर्वे के साथ हायर एजुकेशन और रिसर्च ये दोनों हम लोग शेयर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। विच सिटी इज होस्टिंग द 15th ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस 2020। आपसे कह रहा है 15वां संस्करण 2020 में ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस का, इसका आयोजन कहां पर किया जाए? इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। इसका मोटो क्या था, क्यों इसका आयोजन किया गया? इसका मोटो था मैरीटाइम सिक्योरिटी, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं उनको सिक्योर करके रखना, और ये सिक्योर तभी हो सकते हैं जब आसपास के कंट्रीज हमारा साथ दें। तो ये इसका मेन मोटो था। वी हैव सेलिब्रेटेड वर्ल्ड कैंसर डे ऑन दिस डेट। आपको पता होना चाहिए हर साल वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग मनाते हैं 4 फरवरी को। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दूं, 2019 से 2019 में जो पिछले साल हम लोगों ने वर्ल्ड कैंसर डे मनाया था उसके तहत एक थीम इसकी लॉन्च करी गई थी। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। अब ये जो थीम है आई एम एंड आई विल, ये थीम 2019 से 21 तक के लिए रखी गई थी। तो इस बार 2020 है, इस बार की भी थीम आई एम एंड आई विल है, नेक्स्ट ईयर की भी वर्ल्ड कैंसर डे की थीम आई एम एंड आई विल ही रही। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक कर दें, लेकिन एटलीस्ट लाइक या डिसलाइक आप लोग जरूर कर दिया करें, इग्नोर ना करा करें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।